हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सीएमटी करियर मेकर ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। मैं रमन कुमार, आज लेके आया हूँ नया वीडियो जिसमें कि आप देख सकते हैं करंट अफेयर्स का डिस्कस करते हैं। करंट अफेयर्स, जनरल अवेयरनेस जो आपका है, समसामयिकी, कंटेंट्स इंग्लिश में होते हैं, एक्सप्लेनेशन इंग्लिश हिंदी दोनों में होते हैं। तो ये आपके रेलवे LP टेक्नीसियन CBT 2, UPPCLEE, DRDO, सेल, JEE, UP SSSC, JEE, IAS, SSC, तो जितने भी गवर्नमेंट के अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम हैं सबके लिए ये इंपॉर्टेंट है। ये रिसेंटली करेंट अफेयर है, अभी रिसेंट 2-3 महीने का, और इसमें हम डिस्कस करेंगे स्पोर्ट्स से भी रिलेटेड, स्टेचू ऑफ यूनिटी से भी रिलेटेड, PM के जो कार्यक्रम हुए, जो उन्होंने अभी स्टार्ट किए स्कीम्स वगैरह, इसका भी डिस्कस करने वाले हैं। उसके बाद आपके जो मिलिट्री एक्सरसाइज हैं ये भी, फिर तो बहुत सारे इसे डिस्कस करने वाले हैं इसमें। तो इससे आप एक दो क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को बहुत फायदा होने वाला है। सो ऐसे ही चैनल से बने रहें। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें। सो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। सो यहाँ पे देखते हैं, द इंडियन स्टेट विच हैज़ वॉन द फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन फ्यूचर पॉलिसी गोल्ड अवार्ड फॉर बिकम द वर्ल्ड्स फर्स्ट फुल्ली ऑर्गेनिक स्टेट्स, तो यहाँ पे है, तो वो है आपका सिक्किम। तो यहाँ पे है कि कौन सा आपका इंडिया का स्टेट है, राज्य है, जो कि अभी फूड और एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन फ्यूचर पॉलिसी में गोल्ड अवार्ड लिया है, यानी कि स्वर्ण पदक जिसको आप बोल सकते हैं, और वो विश्व का पहला फुल ऑर्गेनिक स्टेट बना है, वो है आपका सिक्किम। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, द इंडियन एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट हु हैज़ बीन चूजन फॉर द फर्स्ट वर्ल्ड एग्रीकल्चर प्राइज इंस्टीट्यूटेड बाय इंडियन काउंसिल ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर, तो वो है MS स्वामीनाथन। तो ये इंडियन एग्रीकल्चर साइंटिस्ट हैं जिनको कि फर्स्ट वर्ल्ड एग्रीकल्चर प्राइज से दिया गया है इंडियन काउंसिल ऑफ फूड एग्रीकल्चर ने, तो वो है MS स्वामीनाथन। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, द लार्ज स्केल मिलिट्री एक्सरसाइज बीइंग कंडक्टेड बाय द नाटो इन नॉर्वे विथ पार्टिसिपेशन फ्रॉम 29 कंट्रीज नेम्ड, तो ये हैं आपके एक्सरसाइज ट्रिडेंट जंक्चर। नाटो आपका नॉर्थ अटलांटिक ये संगठन है, जिसमें कि जिसको हेड ये US वगैरह का ये संगठन है। तो दो संगठन थे उस टाइम में जब कोल्ड वार होते थे, तो सीटो और नाटो। तो नाटो को US आपका रिप्रेजेंट करता है आपका यूनाइटेड स्टेट्स, और सीटो का आपका रसिया करता था। तो ये आपके नाटो का है, तो इसमें आपके 29 कंट्रीज पार्टिसिपेट करेंगे, जिसका नाम है एक्सरसाइज ट्रिडेंट जंक्चर, याद रखिएगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, द वेन्यू ऑफ इंडिया जापान बायलिटरल मेरीटाइम एक्सरसाइज GMEX 2018 कमेंसिंग फ्रॉम 7 अक्टूबर 2018, तो ये है विशाखापत्तनम की, यानी कि जो इंडिया जापान का बायलिटरल आपके मेरीटाइम एक्सरसाइज जो हुआ, कल के वीडियो में हमने इसमें इंक्लूड किया था इसका GMEX 2018 का, तो इसमें कि नाम क्या है, कहाँ पे वेन्यू है वो नहीं बताया था। तो इसका जो वेन्यू है वो आपके विशाखापत्तनम में हुआ था स्टार्ट, जो कि आपके 7 अक्टूबर 2018 से स्टार्ट हुआ GMEX 2018 वेन्यू ऑफ इंडिया जापान बायलेटरल मेरीटाइम एक्सरसाइज, तो याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चंस आते हैं। सो नेक्स्ट बात कर लेते हैं, द कंट्री विथ विच इंडिया हैज साइंड ए डील फॉर द परचेज ऑफ S-400 ड्रम ऑफ मिसाइल सिस्टम एट ए कॉस्ट ऑफ $5 बिलियन, तो ये अभी आपके रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन आपके इंडिया दौरे पे आए थे, तो उसी टाइम आपके ये डील हुआ था S-400 ड्रम ऑफ मिसाइल सिस्टम, जिसका कि कॉस्ट है $5 बिलियन, तो ये रशिया के साथ हुआ है, तो ये आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, द न्यू चेयरपर्सन ऑफ नेशनल कमीशन ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट अपॉइंटेड टू रिप्लेस मिसेज स्तुति कैकर, तो ये हैं आपके, इसको स्तुति पहले ये थे, इनको रिप्लेस करके अभी प्रियांक कानूनगो आए हैं, ये न्यू चेयरपर्सन, तो ये आप देख सकते हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, द एडिशनल सोसिलेटर जनरल ऑफ इंडिया हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द सोसिलेटर जनरल ऑफ इंडिया टू सक्सीड श्री रंजीत कुमार, ये हैं श्री तुषार मेहता। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, द इंडियन अमेरिकन इकोनॉमिस्ट हु हैज़ बीन अपॉइंटेड द चीफ इकोनॉमिस्ट एट द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, तो ये हैं गीता गोपीनाथ, ये इंडियन अमेरिकन इकोनॉमिस्ट हैं जिसको कि अपॉइंट किया गया है चीफ इकोनॉमिस्ट में आपके इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड में, तो ये हैं आपके गीता गोपीनाथ, ये ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, द वेन्यू ऑफ कृषि कुंभ 2018 इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस एट एग्जीबिशन हेल्ड फ्रॉम 26-28 अक्टूबर 2018 IISR लखनऊ में ये रखा गया था, और ये आपके कृषि कुंभ 2018 जो कि 26-28 अक्टूबर को रखा गया था, वेन्यू था IISR लखनऊ में। तो ये जो IISR है, ये है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पाइसेस रिसर्च, जहाँ पे मसाले वगैरह का इसका रिसर्च होता है, तो ये आपके लखनऊ में है, यहाँ पे रखा गया था कृषि कुंभ। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, द वेन्यू ऑफ इंटरनेशनल आर्य महासम्मेलन 2018 हेल्ड फ्रॉम 25 अक्टूबर 20
28 अक्टूबर 2018, तो ये न्यू दिल्ली में रखा गया था, आर्य महासम्मेलन, इंटरनेशनल आर्य महासम्मेलन 2018, जो कि 25 अक्टूबर से 28 अक्टूबर को रखा गया था। उसका वेन्यू था न्यू दिल्ली। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, द सिटी इन विच द फर्स्ट इंडिया इजराइल इनोवेशन सेंटर हैज बीन लॉन्च, वो है बेंगलोरो। बेंगलोरो में आपके फर्स्ट ये इंडिया इजराइल इनोवेशन सेंटर लॉन्च किया गया है बेंगलुरु में। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, द प्लेस इन हरियाणा एट विच द प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी अनवेल्ड स्टैचू ऑफ श्री छोटू राम, तो ये आपका है रोहतक में। यहाँ पे आपके नरेंद्र मोदी ने ये श्री सर छोटू राम जो हैं उनके स्टैचू जो मूर्ति है उसका अनावरण किया था। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, द टीम्स विच हैव बीन डिक्लेयर्ड ज्वाइंट विनर्स ऑफ एशियन चैम्पियंस ट्रॉफी मेन्स हॉकी एट मस्कट ओमान आफ्टर रेन वाश्ड आउट द फाइनल मैच, तो यह है इंडिया और पाकिस्तान का बीच में मैच था हॉकी का, मेंस हॉकी मैच ओमान में हो चल रहा था और इसमें बारिश के कारण मैच को दोनों को ज्वाइंट आपके विनर डिक्लेयर कर दिया गया इंडिया और पाकिस्तान को। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, द वेस्ट इंडियन क्रिकेटर हु हैज अनाउंस्ड हिज रिटायरमेंट फ्रॉम ऑल फॉर्म ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट, तो ये अभी रिसेंटली ड्वेन ब्रेवो हैं जो अभी आईपीएल में चेन्नई सुपर किंग्स से भी खेलते थे, तो ये अभी सारे जितने भी क्रिकेट हैं उसके सारे फॉर्मेट से इन्होंने संन्यास ले लिया रिसेंटली। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, द इंडियन क्रिकेटर हु हैज़ बिकम द फास्टेस्ट बैट्समैन इन द वर्ल्ड टू स्कोर 10,000 रन्स इन वन डे इंटरनेशनल, तो ये अभी विराट कोहली रिसेंटली इन्होंने 10,000 रन पूरा किया है वन डे इंटरनेशनल में, जो कि आपके सबसे तेज 10,000 रन पूरा करने वाले वर्ल्ड में पहला इंडियन क्रिकेटर बने हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, सम अदर इंपॉर्टेंट न्यूज जो कि आपके स्टेच्यू ऑफ यूनिटी से है, अभी रिसेंटली काफ़ी ये चर्चा में है स्टेच्यू ऑफ यूनिटी, तो आपके इससे क्वेश्चन एक दो क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, तो ये इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि स्टेच्यू ऑफ यूनिटी इज द वर्ल्ड टॉलेस्ट स्टेच्यू विथ हाइट ऑफ 182 मीटर, जो अभी स्टेच्यू ऑफ यूनिटी सरदार वल्लभ भाई पटेल का जो स्टेच्यू बनाया गया है, मूर्ति बनाया गया है, उसकी हाइट आपके 182 मीटर है, जो वर्ल्ड का सबसे टॉलेस्ट, विश्व का सबसे टॉलेस्ट मूर्ति है। तो यहाँ पे मैंने लगाया हुआ है फोटो, देख सकते हैं पीक आपके स्टेच्यू ऑफ इंडिया 182 मीटर है। स्प्रिंग टेम्पल बुद्धा चाइना जो कि 153 मीटर, पहले ये सबसे टॉलेस्ट हुआ करता था, अभी आपके इंडिया का है स्टेच्यू ऑफ यूनिटी। उसके बाद देख सकते हैं ये दिक्षु देवस्तु जापान 120 मीटर, ये थर्ड नंबर पे है। स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी यूएस का 93 मीटर फोर्थ नंबर पे है। ये मदरलैंड कॉल्स रसिया 85 मीटर एंड क्रिस द रीडर ये ब्राज़ील में 38 मीटर का ये स्टेच्यू है। तो ये देख सकते हैं अपना अभी स्टेच्यू ऑफ यूनिटी सरदार वल्लभ भाई पटेल का सबसे टॉलेस्ट है 182 मीटर। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, स्टेच्यू ऑफ यूनिटी वाज इनॉग्रेटेड बाय आवर पीएम श्री नरेंद्र मोदी ऑन 30th October 2018 एट सरदार सरोवर डैम कविदिया विलेज नर्मदा गुजरात। तो अभी आपके जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी हैं वो 30 अक्टूबर 2018 को इस स्टेच्यू को इनॉग्रेट किया, और जहां सरदार सरोवर डैम पे है कविदिया विलेज में, जो कि नर्मदा गुजरात में पड़ता है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, कंस्ट्रक्शन टाइम ऑफ स्टेच्यू ऑफ यूनिटी इज 46 मंथ 3 ईयर्स 10 मंथ्स, तो इसको बनाने में जो स्टेचू को बनाने में तो इसका जो कंस्ट्रक्शन टाइम है यानी कि इस मूर्ति को बनाने में 46 महीने लगे, जो कि 3 साल 10 महीने होते हैं, तो ये ध्यान में रखिएगा। बिल्ट बाय लार्सन एंड टर्बो, तो ये एलटी जो आपकी कंपनी है एलएनटी, तो उसी ने बनाया है, लार्सन एंड टर्बो उसका फुल फॉर्म है, एलएनटी कंपनी ने इसको बनाया है। और डिजाइंड बाय राम बंजी सुतर, तो ये जो राम बंजी सुतर हैं इन्होंने डिजाइन किया है इस मूर्ति को। तो ये थे कुछ फैक्ट्स अबाउट आपके स्टेच्यू ऑफ यूनिटी जो कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की बनाई गई है, तो जिसको लौह पुरुष भी जिनको कहा जाता है। तो ये थे आज के करंट अफेयर्स से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन। तो हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब करें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग CMT, स्टे ट्यून CMT।